काम जब से आदित्य मेरी अभी भी शिफ्ट खत्म हुए, इसलिए मैं आपको अभी पूरा ओवरऑल लुक हमारे कॉलेज का दिखा देता हूँ, डॉक्टर उल्लास पटेल मेडिकल कॉलेज का। हम लोग सब पॉइंट कवर करेंगे, या की टीचिंग फैसिलिटी, या की मेस होस्टेल, और या का पेशेंट फ्लो जो कि हमारा सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्पिटल आपको देखने को मिलेगा, जो हम इस वीडियो में आपको कवर करके देंगे, जो आपको मतलब आइडिया आ जाएगा कि आप एडमिशन लेना है या नहीं। हम आपको यहाँ पे सब दिखाएंगे, हमारे कॉलेज का कैंपस, उसके ग्राउंड, उसके स्पोर्ट्स, या करिकुलम कैसे होते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें मत, क्योंकि मैं आपको मेरी ड्यूटी छोड़ के आपको आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन दे दीजिए। कॉलेज के अंदर आ गए, इधर आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, और इधर अपना MBBS की बिल्डिंग और मेन इंफ्रास्ट्रक्चर आज अपन देखते हैं क्लासरूम के साथ। तो चलिए आइए मेरे साथ। इस बिल्डिंग से अपने को मेन जो डॉक्यूमेंट वर्क है या फिर टीचिंग स्टाफ है वो सब ही यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे हर क्लासरूम या हर लेक्चर MBBS के इस मेन बिल्डिंग में होते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं, मेन गेट इधर की तरफ से और शॉर्टकट इधर से। अभी हम फाइनली कॉलेज के मेन गेट की तरफ आ गए, यहाँ पे आपको बोर्ड दिखेगा उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज का। तो आइए अपन पूरी बिल्डिंग या फिर पूरे टीचिंग स्टाफ या डॉक्यूमेंट कैसे वर्क करता है या कॉलेज का स्टाफ कहाँ है क्या है आप हम सब दिखाते हैं हम आपको। सेंट्रल लाइब्रेरी मिलेंगे नीचे देखने को, तो आइए। हम आपको अभी ऑडिटोरियम नंबर 1 दिखा चलिए हम आपको रिसेप्शन हॉल दिखा दें। यहाँ आइए, ये डिपार्टमेंट का बैचलर है, या क्या आपको फिजियोलॉजी की प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर के इधर यहाँ पे सब आपको इक्विपमेंट या जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो ये और जाने में दिखा।
आप जिस तरह से दिख रहा है कि सामने रिसेप्शन हॉल है, हमें ये परमिशन नहीं कि इसको ओपन कर सकते क्योंकि इसको कैमरे में दिखाने के लिए हमें परमिशन चाहिए जो हमारे पास फिलहाल तो नहीं है। आप यहाँ से देख सकते हैं जहाँ पे सब तरह के कैरेवर बॉडीज बहुत मतलब ज़्यादा बॉडीज आप प्रेजेंट है जो कि न्यू डॉक्टर्स को हेल्प देती है उनके नए फ्यूचर के लिए। हम आपको ऊपर सेंट्रल लाइब्रेरी सेकंड रीडिंग रूम और टीचिंग फैसिलिटी कैसे है वो हम आपको सब तरह की बुक जो एम बी बी एस के लिए लगते हैं यहाँ पे उसके पास। एम बी बी एस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये कॉल दिया गया है जो आइए हम आपको दिखा सकते हैं जहाँ की सब एम बी बी एस के हम आपको अभी मेन रीडिंग दिखा रहे हैं जो कि अंदर ये सबसे मेन रीडिंग है मेन पे आपको सब बच्चे पढ़ते हुए दिखेंगे जो कि अभी फ्रस्ट्रेशन या टेंशन में दिख रहे क्योंकि एम बी बी एस जो लिया है उन्होंने। आपको सामने अभी डॉक्टर उल्लास पाटिल मेडिकल फिजियोथेरेपी का कॉलेज नजर आएगा तो चलो हम आपको वो भी दिखाएंगे। सामने दिख रहा होगा जो डिपार्टमेंट ऑफ में फॉरेंसिक मेडिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी का आपको सामने दिखेगा। जो आपको इधर सब दिख रहा है इसके पीछे ये हाँ ये हमारा सब मेस का एरिया है। ठीक है खाना तो इतना अच्छा नहीं रहता पर सफिशेंट चल जाता है हम लोग का क्या कर सकते हैं। आई आपको दिख रहा है इतना अच्छा बोर्ड लगाया हमने काफ़ी खर्चा जो किया है। यहाँ पे आपको सब तरह की गर्ल्स दिखेंगी मतलब जो के लिए हॉस्टल आपको दिख रहा है हमारा दौर ठीक गर्ल्स हॉस्टल के सामने हमारा बॉयज हॉस्टल है यहाँ पे। ये देखिए मैं एम बी बी एस हमारे स्टूडेंट्स तो ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पे सब यूटी की फुटबॉल क्रिकेट सब टूर्नामेंट्स यहाँ पे हम लोग अरेंज करते हैं। सब यूनिवर्सिटी ही हम लोग को परमिशन देती है यहाँ पे डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीम्स यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए मैचेस खेलते। बहुत बड़ा गार्डन है ये यहाँ पे गार्डन मेनली फुटबॉल का ग्राउंड है ये यहाँ पर। कुछ बच्चे जो उधर क्रिकेट भी खेल लेते हैं कभी कभी शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। बीएससी नर्सिंग फिजियोथेरेपी एमबीबीएस सभी कोर्स के लिए
उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सभी के लिए एक ही कॉलेज यहाँ पर आपको गार्डन नज़र आएगा। अभी बारिश हुआ है तो थोड़ा भीग गया है, तो हम बीच में नहीं जा सकते अभी, इसलिए फिलहाल तो हमें रिटर्न जाना पड़ेगा। अभी पूरा कॉलेज देख चुके हैं, पूरा कॉलेज हमने और लुक कर लिया है। अभी आपको सामने हमारा हॉस्पिटल दिखाई देगा, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट फ्लो कितना है, और आप उस हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको हम अभी कॉलेज बिल्डिंग दिखा चुके हैं, अब हम आपको कैंटीन और हॉस्पिटल हमारा जो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो चलिए आइए हमारे। आपको सेकंड गेट दिख रहा है, जो हम इसको इमरजेंसी गेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में होता है या फिर उसको लेट हो रहा होता है, तब हम इस डोर से उसको ऊपर ले जाते हैं सीधा मेन बिल्डिंग की तरफ। तो हम अभी आ गए मेन हमारे हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ। हम आपको यहाँ पे सब वार्ड्स में दिखा सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। हम आपको अभी कुछ वार्ड दिखाते हैं जहाँ पे पेशेंट हमेशा एडमिट होते हैं। आइए पेशेंट लोग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटमेंट भी अच्छी मिल रही है। देखिए हॉस्पिटल का जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा, उधर जो पेड़ दिख रहे हैं ना, उधर एक मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर कैलाश पाटिल मेडिकल कॉलेज। तो उसका पूरा कैंपस आपको यहाँ पर एक व्यू दिख रहा है जनरल, तो आप यहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हो। देखिए बिल्डिंग है हॉस्पिटल का, जो कि उधर के साइड पर एक सिचुएटेड है, और ये देखिए इधर मेन गेट से हम अभी अंदर आए हैं। तो आप हम थोड़ा आगे जाएंगे, आगे आपको और कुछ भी जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर नजर आ सकते हैं। ऑपरेशन थिएटर यानी कि शस्त्रक्रिया विभाग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है अभी आईसीयू के अंदर। हम अंदर भी जा सकते हैं, परमिशन नहीं है, तो हम आपको बाहर से और लुक कर देखिए ये मेल सर्जरी वार्ड है, यहाँ पर आपको नजर आएगा, थोड़ा अंदर देख सकते हो आप यहाँ पर। इधर डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी नजर आएगा। और सर्जरी करने के बाद पेशेंट को इधर रखा जाता है, देखिए अंदर। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर हम अभी घूम रहे हैं। देखिए वेटिंग लिस्ट है पेशेंट के। सर्जिकल एंड ऑब्स्ट्रक्ट आईसीयू इधर आपको नजर आएगा। देखिए सामने भी कुछ पेशेंट जो है यहाँ पर वेटिंग भी है, अलग अलग डिपार्टमेंट के पेशेंट होते हैं यहाँ पर। लगभग यहाँ पर हर डिसीज का ट्रीटमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट है।
फिर से अभी हम पूरा हॉस्पिटल जो कुछ दिखा सकते थे आपको दिखा दिया है अभी, और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हम अभी आ चुके हैं। देखिए फिर से एक बार, तो ये पेशेंट है यहाँ पर वेटिंग कर रहे सब कुछ। तो डॉक्टर आदित्य सर आप थोड़ा आगे चलिए, इधर आपको जो दिखाई देगा, देखिए आपको यहाँ पर ओपीडी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पेशेंट का ओपीडी आईपीडी जो है ना, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है प्रिंट आउट लेने के बाद। यहाँ से देखिए जो है राष्ट्रीय महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के थ्रू यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी कि आपको जो है ट्रीटमेंट के लिए पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, इस योजना का आप लाभ ले सकते हो। देखिए यहाँ पर औरतों का ओपीडी है यहाँ पर, और मेडिसिन है, रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको इधर नजर आएगा। यहाँ पर पूरे औरतों के जो पेशेंट है ना, आपको यहाँ पर नजर आ सकते। और ये देखिए अभी हम गेट से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप ऊपर हॉस्पिटल में जाना चाहते हो तो सेकंड नंबर का जो फ्लोर है यहाँ पर जा सकते हो। देखिए ग्राउंड फ्लोर के हैं हम ही, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप जा सकते हो यहाँ से। अब हम नीचे जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर जा रहे हैं अभी, जो कि इमरजेंसी विभाग हमने आपको दिखाया था, तो उसके थ्रू अब हम एग्जिट करेंगे हॉस्पिटल के बाहर। और ये देखिए यहाँ से आप पूरा हॉस्पिटल देख सकते हो। देखिए हॉस्पिटल बिल्डिंग है, ये आउटर लुक है यहाँ पर,